बद्री नारायण, आस्था का व्यापार हो रहा है क्या ये? और आपने, इसीलिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस में आपका जो आर्टिकल था नवंबर का, उसका जिक्र किया है। आपको ये पूर्वानुमान कैसे हो गया था कि ये इस तरह की लड़ाई भी हो जाएगी आपस में? देखिए संदीप जी, पहले तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने उस आर्टिकल को याद किया। एक्चुअली हम लोग सोशल साइंटिस्ट हैं और पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो हम लोग अपने अध्ययनों से एक कहते हैं ना इसको इंट्यूटिव, एक स्टडी से आप में एक इंट्यूटिव वो भी विकसित हो जाता है, तो आगे प्रोसेसेस क्या होंगी वो आप अनुमान कर पाते हैं। तो हमें, हम लोगों को लग रहा था कि ये, और ये होलिस्टिक प्रोसेस है, एक्चुअली ये अलग से नहीं हो रहा है, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। कैसे? देखिए, एक तो ये है कि सबके अपने अपने राम है, एक नोशन तो ये है। दूसरा नोशन ये है कि सबके अपने अपने नायक जैसे होते हैं वैसे ही अपना भगवान हो। राम पर कैपिटलाइज किसी और पार्टी ने कर लिया है तो आप क्या करेंगे? आपको कहीं और जाना है जहां जाके आप वो कैपिटलाइज करें, तो किसी ऋषि पे कर रहे हैं, कोई हनुमान पे कर रहे हैं। तो एक तरह से आप एकदम बात सही है कि सबके जैसे नायक होते हैं पोलिटिकल पार्टीज के, अपने आइकॉन्स होते हैं, वैसे वो भगवान को भी आइकॉन में बदल देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो कर रहे हैं, इसमें आपने सही कहा कि ये कंपल्सन है बीजेपी द्वारा बनाई गई एक राजनीतिक सर्कल का, जिसमें ये है कि आप जो है उनके ही मैदान में जाके मैच खेलने के लिए बाध्य हैं, और ये आपको करना पड़ेगा। मजबूर कर दिया विपक्ष को बीजेपी ने अपनी बोली बोलने के लिए। बिल्कुल, कि साबित कीजिए कौन बड़ा हिंदू, लड़ाई ये हो रही है कौन बड़ा हिंदू। बिल्कुल, और बीजेपी के, और क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है वो बेशक, लेकिन वो इकलौते भगवान नहीं है, अलग अलग हिंदू अलग अलग भगवानों को मानते हैं। बिल्कुल, एक बात और है इसमें संदीप जी की, जो इसमें प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के राजनीतिक संस्कृति का धर्म हिस्सा रहा है, तो उनको एक इसके अराउंड एक तरह से ट्रस्ट वैल्यू मिल चुका है। इन पार्टियों की तो सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करती हैं, आज ये किसी भगवान को लेके खड़ा करना चाहती हैं। तो संविधान हमारा कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। एक एप्रोप्रिएशन एंड क्लेम, दो प्रोसेसेस होते हैं जिससे आप अपने एप्रोप्रिएट कर लेते हैं देवता को। जैसे आप अप्रोप्रिएशन एंड क्लेम में, अप्रोप्रिएशन शब्द पर मैं थोड़ा सा और विस्तार में चर्चा करना चाहूंगा। अप्रोप्रिएशन मतलब आपने कब्जा कर लिया जी हमारे भगवान। अब चंपत राय, एक मिनट सुनिएगा, चंपत राय वो न्योता दे रहे हैं भाई, वो तो ट्रस्ट उनको बनाकर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जिसका काम था मंदिर बनवाना। अब वो ही न्योता देंगे, वो तय करेंगे किसको बुलाया जाए किसको नहीं। वो यहां तक कह दें कि ये तो रामानंद समुदाय के हैं भगवान, तो भगवान राम शाक्य और शैव्यों के है ही नहीं। अब ये चंपत राय कहां से ये तय करने वाले हो गए और कौन हो गए? ये अप्रोप्रिएशन ही हो रही है क्या भगवान राम की? संदीप जी देखिए, ये होता है कि जब कोई समूह किसी डीटी के अराउंड पूरी संघर्ष, फिर उसका उसके लिए सफलता प्राप्त करती है, तो उसका क्लेम बढ़ जाता है। और वो क्लेम तो मतलब सबके नहीं है, मेरे नहीं है भगवान राम, नहीं भगवान है, लेकिन ये आयोजन, मैं शैव्य अगर विचारधारा वाला हूं तो मेरे नहीं है भगवान राम, एक प्रोसेस का हिस्सा है, उस प्रोसेस पर क्लेम उनका है। देखिए, हम लोग एक प्रोसेसेस बता सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, इस मामला और डीपर है और गहरा है संदीप जी। कैसे गहरा है? देखिए, जब इंडिया, जब ये मॉडर्निटी आई तो वेस्ट ने तो उसको रिलीजन के साथ वेस्ट आगे बढ़ी, यानी आपको पता होगा कि उपनिवेशवाद आया तो पादरी भी आए थे। इंडियन मॉडर्निटी आई तो उसने नहीं, नहीं नहीं हम लोग पूरी मॉडर्न है, धर्म को एकदम अलग कर। अब वो धर्म का रिसर्जेंस हो रहा है, धर्म एक तरह से, एक तो पॉलिटिक्स क्या करती है, जनता के मनोवृत्ति को बनाती है, कई बार जनता की मनोवृत्ति को रिफ्लेक्ट करती है पॉलिटिक्स, उसे मजबूरी हो जाती है। तो अब ये कहना मुश्किल है कि धर्म ने, यानी राजनीतिक दलों ने धार्मिक माहौल बनाया वोट के लिए, कि जनता में ही एक रिसर्जेंस ऑफ रिलीजियस मेंटालिटी पढ़ने लगी। आप समझिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसमें राजनीतिक संदेश भी तो अहम रोल प्ले करते हैं ना, कि जन जागृति किस मुद्दे पर की जा रही है। बिल्कुल, उसकी भी भूमिका है, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि क्या ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद, जिसको कहते हैं ना सेकेंड फेज ऑफ न्यू लिबरल टाइम, हम लोग कहते हैं धर्म का रिसर्जेंस न केवल इंडिया में, पूरी दुनिया की राजनीति में हुआ है क्या, या पूरी की दुनिया में? तो धर्म के नाम पर अकेले हिंदू धर्म थोड़ा है, फिर तो मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं इस देश में, सिख भी हैं, उनकी रिसर्जेंस क्यों नहीं दिखती?
नहीं वहां भी है, लेकिन वो चूंकि पब्लिक स्फीयर में अभी उनका उस तरह से आवाज नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशन उनके पक्ष में नहीं है, नहीं है शायद इसलिए उनका आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन वो टेररिज्म की तरफ अगर कोई जा रहा है, अगर कोई वायलेंस की तरफ जा रहा है, तो वो भी एक तरह का रिसर्जेंस है, वो भी एक तरह का रिसर्जेंस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।